हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द अर्बन जोड़ी। आज हम एक्सप्लोर करने वाले ओमान के वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस पे विच इज यिती बीच। सो लेट्स गेट ऑन टू आवर वीडियो एंड फॉलो अस टिल यिती बीच ओमान। यिती बीच तक जाने का रास्ता बिल्कुल पहाड़ों के बीच से होकर जाता है, इसीलिए ऑन द वे यू गाइज विल एंजॉय अलॉट। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप यिती बीच पे जाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली खाने पीने की जितनी भी चीज़ें आपको पैक करनी है वो आप पहले से पैक करके रख लो, क्योंकि आसपास बीच के कोई भी कैफे वगैरह नहीं है। तो लीजिए, हम आ गए हैं अब यिती बीच पे, एन ऑसम पीसफुल सीनिक बीच। टूरिस्ट के बीच में भी ये बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक एरिया है एंड यू कैन क्लिक गुड पिक्चर्स ओवर हियर। यहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं है किसी चीज़ का। पानी भी यहाँ पे बहुत स्लोली स्लोली यू नो आपको आवाज़ आएगी। एक्चुअली मेन बीच जो है, जो मेन बीच का एरिया है वो उस तरफ है, यू कैन सी दैट साइड एरिया। और यहाँ पे जो है यू नो वाटर यहाँ पे अंदर तरफ आता है एंड दैट इज राइट इट साइलेंट। पीपल मोस्टली यहाँ पे कैंपिंग के लिए आते हैं एंड यू विल लव इट ओवर हियर इफ यू आर कमिंग। सो यहाँ पे आने का रास्ता अगर बोलो तो मस्कट से एक अंदर से शॉर्टकट है हमरिया एरिया से, तो आप हमरिया एरिया का शॉर्टकट लेके आप डायरेक्टली इस रोड पे आ सकते हो। लोकेशन एग्जैक्टली हम आपको वहाँ पे मैसेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एज आई टोल्ड यू, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी एरिया है, सो वी क्लिक्ड आउट लॉट्स ऑफ पिक्चर ओवर हियर एंड इट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली। अगर आपको बोट राइड लेनी है तो आपको 10 रियाल में बोट यहाँ पे मिल जाएगी, सो दैट ऑल्सो यू कैन एंजॉय ओवर हियर। यहाँ का पानी काफी ज्यादा क्लियर और क्लीन है, तो स्विमिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोस्टली यहाँ पे लोग अपने बच्चों फैमिली के साथ यहाँ पे स्विमिंग वगैरह एंजॉय करते हैं क्योंकि वेव्स काफी स्मॉल है, तो ये काफी ज्यादा सेफ हो जाता है। ऑल्सो डीप ज्यादा नहीं है बीच, बहुत दूर तक जाने पर भी आपको नीचे सैंड मिल ही जाएगा, सो इट इज वेरी मच सेफ ओवर हियर। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बीच। यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा शांत है, यू नो वेव्स की आवाज भी आपको एकदम स्लोली स्लोली आ रही है, सो इट इज वेरी मच रिलैक्सिंग। सो यू कैन सी अभी हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे इस साइड भी वॉटर है एंड उस तरफ भी वॉटर है, एंड आप बीच में देखोगे यहाँ पे इट इज सच अ ब्यूटिफुल व्यू। लोग मोस्टली यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग टेंट्स लगा के बैठना पसंद करते हैं। दे एंजॉय फिशिंग, बारबेक्यू, एंजॉयिंग फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम। सो यहाँ पे यू नो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती क्योंकि एरिया काफी ज्यादा बड़ा है, और भीड़ भी होती है तो पता इतना ज्यादा नहीं चलता। सो यू कैन स्विम ओवर हियर, द वाटर इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड क्लीन। आप देख सकते हो कि रास्ते भी यहाँ पे आने के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी कार से यहाँ पर आ सकते हो, हम यहाँ पे SUV से आए थे लेकिन आप किसी भी कार से आ सकते हो। बीच पे थोड़ा आगे जाने पे आप केयरफुल रहें क्योंकि आगे जो है पानी काफी ज्यादा डीप है। यहाँ पे भी लोग स्विमिंग करना प्रेफर करते हैं, बट बी केयरफुल व्हेनेवर यू आर गोइंग दैट मच नियर। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल द अर्बन जोड़ी। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन आर नेक्स्ट व्लॉग टू शिफा।